हमारी कंपनी में एंटर हुए थे और उन्होंने गोलीबारी करी और लूटपाट करी। 8 घंटे तक उनको हॉस्टेज रखा गया है। भेजा है और सारे इंडियंस जो भी सूडान में है उन सबको सुरक्षित वापस लाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है। आप सबको फिर एक बार अभिनंदन। यहाँ पे हम आए थे और नाइट स्टे हमारा इधर ही था और यहाँ पे जो फैसिलिटी है, जो अरेंजमेंट है, जो यहाँ की जो कम्युनिटी ने जो किया है और गवर्नमेंट ने जो किया है सऊदी अरेबिया में स्पेसिफिकली, और एमबीसी ने भी किया है स्पेसिफिकली सऊदी अरेबिया में, वो बहुत बढ़िया अरेंजमेंट है। रियली अप्रिशिएट द सऊदी अरेबिया पार्ट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, द इंडियन एम्बेसी। दे हैव डन वंडरफुल अरेंजमेंट for the evacuees coming out of Port Sudan. We couldn't get a better arrangement than this. Really appreciate that. सबसे पहले RSF जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो उनका कैंप हमारी कंपनी के बगल में, तो अर्ली मॉर्निंग 9 वो हमारी कंपनी में एंटर हो गए थे और उन्होंने गोलीबारी करी और लूटपाट करी है। 8 घंटे तक उनको हॉस्टेज रखा गया है। हमारे कितनी बारी भी हमारे जो बंदूक है हमारी छाती हमारे सर पे रख के हमारे से लूटपाट करी है, सारे कंपनीज में सारा डिस्ट्रॉय कर दिया है, फाइल डिस्ट्रॉय कर दिया, लैपटॉप चोरी हो गए, मोबाइल चोरी हो गए, बस एक मोबाइल मेरा बचा था जो विंडो AC के पीछे हमने छुपाया था। उसके बाद हमने एमबीसी से कांटेक्ट करा क्योंकि इतनी फाइटिंग हो रही थी, तो एमबीसी भी कुछ मदद करने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा सेफ रहो। फिर इवनिंग के टाइम पे हमने उनसे रिक्वेस्ट करा कि हमारे पास फूड नहीं है, हम यहाँ से मूव आउट होना चाहते हैं, तो उन्होंने अलाउ करा तो हम एक विलेज में छुपे। फिर नेक्स्ट डे वहाँ पर भी बहुत सारी फायरिंग हुई, फिर उससे हम फिर दूसरे विलेज में गए, सुबह विलेज में, तो वहाँ से फिर हमको जब प्लानिंग हुई कि कैसे एवैक्यूएट करना है, तो हमारे पास हमारी कंपनी में डीजल था, तो हमने एमबीसी से टच में रह के कि आप बसों का इंतजाम करिए, डीजल हमारी कंपनी दे दी, तो वहाँ से हमने सारा गाड़ियों में डीजल भराया। तो जो पहला बैच है हमारा उसमें 6 बसें आई थी, तो एक बस में 50 थे, तो अराउंड 300 पीपल किसी इंडियन कम्युनिटी ने पोर्ट सुडान में ये एक स्कूल में हमारी व्यवस्था कराई, वहाँ पर उन्होंने खुद खाना कराया। तो फिर इंडियन नेवी आई तो उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीट करा हमको। उसके बाद हम यहाँ पे पहुँचे, यहाँ पे हमारे को ये टावल मिले, ये सब कुछ मिला है, तो ये बहुत अच्छा हेल्पफुल है, वरना हमारे पास बैग वैग लगेज कुछ भी नहीं है, कैश कुछ नहीं। Thank you.